नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी दोस्त अर्चना। मैं हमेशा आपके लिए कुछ नया लेकर आती हूं, और आज मैं आपको लेकर आई हूं एक खूबसूरत सी मार्केट में। मुझे पता है बहुत दिनों से आपने भी शॉपिंग नहीं की होगी कुछ अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, तो चलिए मेरे साथ आज करते हैं ढेर सारी शॉपिंग। तो अभी हम मौजूद हैं एक शॉप में जहाँ बहुत सुंदर खूबसूरत से ये फ्लावर पॉट मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? संतोष जी। तो ये जो फ्लावर पॉट मैं यहाँ देख रही हूँ, ये आप कैसे तैयार करते हैं, या आप बनाते हैं या कहीं से मंगवाते हैं आप? नहीं, हम बनाते हैं, मेटल का होता है जी। हम खुद बनाते हैं, खुद बेचते हैं। ये जैसे आपने बनाया है, ये जैसे मैंने अभी ये देखा भी था, ये काफी हल्का है, तो क्या हम इसे उठा के कहीं भी घर में किसी कोने में आराम से रख सकते हैं कुछ? हाँ, आराम से अभी रख सकते हैं। फ्लावर पॉट होता है, हल्के बनते हैं जी। और ये कितने टिकाऊ होते हैं? मान लीजिए अगर ये गिर गए तो कुछ टूट तो नहीं सकते? टूटते नहीं, मेटल के अंदर होते हैं, हर चीज बनते हैं, केमिकल से बनाते हैं हम लोग, टूटते नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ पर ज्यादातर जो है वो गोल्डन और सिल्वर कलर यहाँ पर ज्यादा है, तो क्या ये और भी रंगों में बनते हैं, या ऐसा क्या है जो आपने सिर्फ गोल्डन और सिल्वर कलर में यहाँ ज्यादा फ्लावर पॉट बनाए हैं? नहीं, गोल्डन भी बनता है, सिल्वर भी बनता है, और भी सारे कलर बन जाते हैं, एंटी भी बन जाते हैं, हम लोग खुद बनाते हैं, खुद बेचते हैं, वो सारे चीजें बन जाते हैं और भी। तो ये गोल्डन और जैसे सिल्वर मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये, तो क्या आप बताएंगे कि क्या इसकी क्या कीमत है भैया? हाँ जी, बताएंगे जी। ये मेटल का होता है हमारा जी, 24 इंची हाइट होता है, 1800 रुपये रेंज में होता है जी। और भी इसमें साइज होते हैं, छोटे बड़े और भी मिल जाएंगे। तो अगर किसी को इसमें व्हाइट ना बनवा के अपने, जैसे घर में लोग अमूमन जैसे डेकोरेशन करते हैं तो अपनी वॉल के अकॉर्डिंग कोई कलर बना रहा है, आपको ऑर्डर दे, वैसे भी आप इसको बनाते हैं? हाँ, बन जाएगा, वैसा भी बन जाएगा, जैसा आप ऑर्डर दोगे उसी तरीके से आप बन जाए भी जाएंगे। और कौन सा मेटल होता है जो आप इसमें यूज करते हैं? लोहे का होता है। तो इसमें लगाने में, जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ बहुत सुंदर सी यहाँ पे कैंडल स्टैंड भी हैं, तो ये सब भी क्या ये भी सब आप खुद बनाते हैं? हाँ जी, खुद बनता है, कैंडल स्टैंड भी बन जाते हैं, वॉलिंग भी बन जाते हैं, सारी चीज बन जाए, जो आप ऑर्डर दोगे सारी चीज बन जाएंगे। अभी मैं वहां देख रही हूँ बड़ा सुंदर सा वो रेड कलर का जो कैंडल स्टैंड रखा है, क्या आप दिखाएंगे वो हमारे दर्शकों को? ये बहुत, भाई ये तो बहुत खूबसूरत सा, कैसे हम इसमें कैंडल रखेंगे आप बताएंगे? हाँ जी, इसके यहाँ से ओपन करेंगे आप, इसके अंदर कैंडल स्टैंड भी ले सकते हैं आप। अच्छा, अगर मैं इसमें कैंडल जलाऊंगी तो मुझे डर है कहीं ये ग्लास है तो कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये कुछ डैमेज तो नहीं हो जाएगा? जी नहीं होगा, यहाँ से आप गैस की रीलिंग निकाल रखा है, या यहाँ से आप ओपन करते हैं, वो सीबल कलर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, हो धो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं कोई भी कैंडल इसमें जला सकती हूँ, या आप कुछ स्पेशल कैंडल जिसमें स्मोक कम हो, या कुछ ऐसी कैंडल जो मैं इसमें जलाऊं? आजकल के लेटरिंग वाले अभी आते हैं, उसको भी रख सकते हैं आप, कैंडल भी जला के भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खराब नहीं होने वाला है। ये जितना भी ये जो कांच का वर्क है, तो ये जो फ्लावर पॉट आप बनाते हैं कितने समय में आप इसको तैयार कर लेते हैं? ये मैडम जी, इसे आप हमारा होता है, ये 1 हफ्ता लग जाता है, 2 हफ्ता भी लग सकता है। जी हाँ जी, बनाने में। तो चलिए, देखा आपने कि कितने सुंदर यहाँ पर ज्यादातर गोल्डन सिल्वर, और ये बोल रहे हैं कि आप और भी कई बहुत सारे रंगों में इसको बनवा सकते हैं, इनको ऑर्डर दे सकते हैं तो ये बना सकते हैं। तो भाई ये फ्लावर पॉट तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा है, और ये तो मैंने खरीद ही लिया है। भाई संतोष जी से मैंने खूबसूरत सा फ्लावर पॉट तो ले लिया है, और अब मुझे उसमें लगाने के लिए चाहिए कुछ फ्लावर्स। तो अभी हमारे साथ मौजूद है सुलेमान जी, आइए उनसे जानते हैं। सुलेमान जी, ये जो फ्लावर पॉट यहाँ पर मौजूद है, आप कैसे बनाते हैं?
फ्लावर पॉट तो ये है, मुझे के अंदर भी बनता है, कफन के अंदर भी बनता है, ऐसे बनता है। ये प्लेन शीट आती है, प्लेन शीट के बाद है ना इसके ऊपर केमिकल से सारा काम होता है। ये टूटता नहीं है, क्या कितना भी जोर से आप फेंक दीजिए नहीं टूटेगा। इसमें सारे साइज होते हैं, 12 इंची से लेके और 48 इंची तक का होता है। और आपके ऑर्डर के ऊपर जितना आप बोलोगे साइज का, 7 फुटा 8 फुटा सब बन जाएगा। भाई ये तो बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, आपने बोला कि अगर ये गिर भी जाएगा तो ये टूटने वाला नहीं है। हाँ ये टूटेगा नहीं, ये वॉशिबल है। सरफ के पानी डाल के ऊपर से सूखा कपड़ा डाल दीजिए बस। बहुत खूब। अच्छा मैं देख रही हूँ बहुत सुंदर यहाँ पे फ्लावर भी हैं, कुछ यहाँ पे फेदर भी हैं। हाँ, ये आप बताएंगे। ये फेदर आते हैं, इसको कलर वाला कराया जाता है, इसमें झड़ने वाला भी आता है, बगैर झड़ने वाला भी आता है। ये बगैर झड़ने वाले हैं, इसके जो कलर आप बोलोगे वो कलर हो जाते हैं। ये आप कैसे बनाते हैं, कहीं से मंगवाते हैं आप? आता है दीदी जी, ये आता है। और ये जो जैसे आपने कलर करे हैं, दिखाएंगे एक बार ये जैसे ये जो कलर आपने करे हैं, ये आप खुद से करते हैं? ये कलर खुद करना पड़ता है, ये ऐसा रियल कलर आता है जी। ये रियल कलर आता है, इसके 40 कलर बन जाते हैं। बहुत सॉफ्ट है ये, बहुत खूबसूरत है ये, क्योंकि ये फ्लावर भी वॉशेबल है। ये कॉलिंग में पानी भर के और इसको यूं मारेंगे तो आप साफ हो जाएंगे। तो ये क्या प्राइस है इनका, अगर मैं इस वाले फ्लावर को लेती हूँ फेदर वाले और इन दोनों को अगर मैं लेती हूँ तो? ये 100 रुपए की डंडी बिकती है, इसमें 30 रुपए वाली भी डंडी होती है, जैसी होती है साइज के हिसाब से वो उस हिसाब से होती है। एक झड़ने वाली भी होती है, एक बगैर झड़ने वाली भी होती है। ये देखिए ये 50 रुपए की डंडी होती है, ये 30 रुपए की डंडी होती है, सब अलग अलग होती है ये सारी की सारी। दिखाएंगे मुझे। ये 50 रुपए की डंडी होती है। अच्छा जी, ये वाली 30 रुपए की डंडी होती है, व्हाइट वाली, ये व्हाइट दिख रही है ना, ये 30 रुपए की होती है। ऐसे इसमें भी 40-50 कलर होते हैं, इसमें भी 40-50 कलर होते हैं, जैसा आपका रूम का होगा वैसा मिल जाएगा आपको। बहुत ही मुनासिब दाम है इसका, 30 रुपए में इतना सुंदर फ्लावर है ये। 50 की जी, 50 रुपए में बहुत सुंदर फ्लावर है ये। और जैसा कि आपने बोला कि 40 रंगों में ये आप देते हैं बना, 40 कलर बन जाएंगे, जो जो कलर आप बोलोगे उस कलर का। मुझे लगता है जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो आपने तो इन फ्लावर में 40 रंग भर दिए हैं। बहुत कलरों के अंदर तो आप बाहर देखेंगे तो बहुत कलर हैं और बहुत ही डिजाइन अलग अलग हैं, बाहर बैठे हुए बना भी रहे हैं। ये कपड़े की होती है, ये भी हाथ से बनती है, हैंडीक्राफ्ट की आइटम है ये। और ये आजकल ये पत्ता चल लिया है, उसके ऊपर हम ये डंडी में लगा देते हैं, ये इतना प्यारा लगता है। इसके प्लांट आते थे, इसको हमने इसके अंदर लकड़ी के अंदर लगा के छोटा प्लांट बना दिया। आप प्लांट लेओगे कम से कम 4500 रुपये का प्लांट है, और आप यहाँ से लेके आओगे 300 रुपये की डंडी है। भाई वाह, बहुत खूब, 300 रुपए की इतनी खूबसूरत ये डंडी है। और ये जो कली आपने देखी ये दिखाई है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। 100 रुपए की है सिर्फ, ये 100 रुपए की है, इसके अंदर भी कम से कम 12-13 डिजाइन कलर मिल जाएंगे इसके अंदर। कुछ मिरर भी हैं आपके पास जैसे कि मैं देख रही हूं? मिरर भी मिल जाएंगे आपको, ये मेटल के अंदर भी बने हुए, ये गुडन के ऊपर है ना हमने काम कर रखा है। ये बहुत सारे डिजाइनों के अंदर है, और जैसे आप मिरर कहोगे, जितना बड़ा कहोगे उतना बड़ा बन जाएगा। एक बहुत खूबसूरत सा लैंप भी मुझे यहाँ दिखाई दिया, ये लैंप आप मुझे दिखाएंगे? ये देखिए, ये स्टील के अंदर होता है लैंप, इसमें आप दिया भी जला सकते हैं, जोत भी जला सकते हैं। ये गर्म नहीं होता, हैवी शीशा लगा हुआ होता है, शीशे के अंदर होता है, स्टील में होता है, यहाँ से सारी गैस निकलती रहती है। इसमें कम से कम 5 फुट तक का मिल जाएगा, 12 इंची से लेकर 5 फुट तक का मिलेगा। इसके अंदर 5 साइज मिल जाएंगे, जो साइज आप बोलोगे वो साइज हो जाएंगे। इसमें लोहे में भी आता है, स्टील में भी आता है। और ये देखिए अलग अलग चीज होती है, जैसा कौन कौन सी मेटल का आप सब करते हैं? लोहा होता है, लोहे की ऊपर ही शीट, लोहे की शीट को काट के शीशा लगा के डिजाइनिंग बनाई जाती है सारी। ये देखिए कितना प्यारा है जी, बहुत खूबसूरत सा ये लैंप है। और इसके अंदर ये बहुत खूबसूरत सा आपने एक छोटा सा ये गेट बनाया है, इसके अंदर ये खोल के बस कैंडल लगा सकते हैं, लैंप लगा सकते हैं। तो देखिए ये फ्लावर जो हैं, ये भैया यहाँ पर इनको बना रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये कैसे आप इसको बनाते हैं? ये सब ड्राई फ्लावर मटेरियल होता है, जैसे धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, अलसी, तीसी, जो खेती बाड़ी का चीज़ होता है, जंगल का चीज़ होता है, जो वेस्टेड होता है, जो आपके हमारे काम में ऐसे देखने में नहीं आएगा, उसका हम रूप बदल देते हैं, कलर करके, फूल बना करके, डंडी पर स्टिक करके, ऐसे कुछ ऐसा रूप ऐसा बदल देते हैं कि आपको देखने में ऑर्डर्स लगेगा। तो ऐसे हम इन सभी चीज़ों को बनाते हैं। तो धान, ज्वार, जैसे कि आपने बोला, उसमें ये जो चीजें निकलती हैं जो हमारे काम में नहीं आती हैं, उसका आप इस्तेमाल इसमें करते हैं? वेस्टेड मटेरियल का, फिर भुट्टे के छिलका, ऐसे पाम वगैरह पत्ता का, जैसे माली लोग काट के फेंक देते हैं, वो हमारे काम में आ जाता है, हम उसको कलर करके, डिजाइन बदल करके ग्राहक के आगे डाल देते हैं। आपने जैसे बहुत सुंदर कलर भी इस पे करे हैं, तो वो आप दिखाएंगे? सारे कलर, जितना चाहिए कलर सब मिल जाता है, 35-40 कलर हम बनाते हैं।
हाँ हर तरह के बनाते हैं। अभी फिलहाल पेम्पर्स ग्रास हैं जो अभी पॉपुलर है ना। फिर ये ड्राई फ्लावर तो बहुत पहले से हमारे एग्जीबिशन में का काम है, फेयर में जाता है। ये फूल वहाँ इधर उधर नहीं मिलता है क्योंकि हाथ का बना होता है ना, हैंडमेड होता है, क्राफ्ट का आइटम होता है, तो ये सब फेयर का चीज़ होता है। तो कैसे आप इसको बना लेते हैं एक दिन में, अमूमन ये आप कितना बना लेते हैं? ऐसे ही बनाते रहते हैं, 100-150-200 डंडी बना दे, जैसा डंडी होता है, जैसा फूल होता है, उसका जितना टाइम लगता है उसको हम बनाते रहते हैं। हाँ डेली यहाँ बनाते हैं, घर पर भी वर्कशॉप है, ऐसे बनाते रहते हैं। ये भी शॉप वर्कशॉप दोनों ही है समझ लीजिए, है ना, ये सब गोदाम है, यहाँ पर बेचते बना बना करके। तो लोग कितना पसंद करते हैं अलग अलग तरीके के ये फ्लावर खरीदना? बहुत लोग पसंद करता है इसको, बहुत लाइक करता है। आर्टिफिशियल से ड्राई वाला ज़्यादा लाइक करते हैं क्योंकि हाथ का बना होता है ना इसलिए। और वो आर्टिफिशियल जो होता है वो तो सब जगह मिल जाता है, गली मेला ठेला सब जगह मिल जाता है, लेकिन ये प्रॉपर आपको यहाँ पर दिख रहा है, नहीं तो फेयर में मिलेगा, जैसे ट्रेड फेयर हुआ, सूरज कुंड हुआ, ये सब छोटे छोटे दिल्ली हाट हुआ, इन सभी चीज़ों में मिलता है। तो इसको जैसे कि आपने बोला इसको ड्राई फ्लावर्स बोलते हैं, ड्राई फ्लावर्स एंड आर्टिफिशियल, मतलब ड्राई को ही बनाया हुआ आर्टिफिशियल जो भी होगा, मतलब ड्राई एंड आर्टिफिशियल बोलते हैं इसको। सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए में मुझे मिल गई है ये बहुत खूबसूरत सी ट्रे। भाई मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसमें अपना फेस देखूं, इसको एज अ मिरर की तरह इस्तेमाल करूं, मगर भैया ने बताया कि ये मिरर नहीं है, ये ट्रे है। और अपने आप में इतनी अच्छी है, ये बहुत हल्की सी है, और साथ में मैंने खरीदे हैं ये खूबसूरत से वॉल हैंगिंग, और बहुत खूबसूरत सी ये वॉल हैंगिंग, उतनी खूबसूरत इनकी शेप। जी हाँ, हार्ट शेप में है ये, और मैंने तो भाई ये मेरा तो मन है कि मैं ये सारे खरीद लेती हूँ। सिर्फ 200 रुपए में है ये, तो आपको यकीन नहीं आया ना जी, सिर्फ 200 रुपए में ये हार्ट शेप के वॉल हैंगिंग है। भाई मार्केट में हो और खरीदारी करके मन भर जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आइए आपको लेके चलती हूँ कुछ और खूबसूरत होम डेकोरेटिव आइटम खरीदने। तो अब मैं आ गई हूँ एक और होम डेकोरेटिव आइटम की शॉप पे। और क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रुताश है। अच्छा रुताश जी, कुछ आप हमें दिखाएंगे होम डेकोरेटिव आइटम? जैसे फोन पे है, ईमेल आई है, बुद्धा जी हैं, सारी डेकोरेट आइटम ही है। ये क्या है जो आप मैं यहाँ सामने देख रही हूँ? ये जैसे इसमें पानी चलता है, फाउंटेन है। और भी बहुत खूबसूरत यहाँ पर सामान है, जैसे मैं देख रही हूँ कि ये है, और एक ये ईविल आई भी है यहाँ पर जी। ये आपके गेट पे लगा सकते हो। तो इसे हम कहाँ लगाते हैं? मेन गेट पे लगता है ये। हाँ जी, इसको नजर बट्टू भी कहा जाता है, ईमेल आई भी बोली जाती है। ओके। हाँ जी, तो इसका पर्पस ये होता है कि अगर हम इसे मेन गेट पे लगा देंगे तो घर पर किसी तरह की नजर, हाँ, नजर वजर नहीं लगेगी, जैसे बुरी हाय वगैरह होती है वो नहीं लगती है। और क्या प्राइस है इसका? ये 700 रुपीज का ओनली जी। हाँ जी। और भी जैसे मैंने देखे थे बहुत खूबसूरत से स्टैचू भी आपके पास हैं, वो आप दिखाएंगे? तो ये जो हिरन आपके पास है ये इनका प्राइस मुझे बताएंगे? ये 1000 रुपीज का सेट है पूरा। अच्छा, और सिंगल लोगे तो 600 रुपीज का है। और इस सेट में ये कितने हिरन है इस तरह के? 3 पीस है जी। हाँ जी। और घर के किसी भी कोने में ये रख सकते हैं आप जी। हाँ जी। और जो डक आपके हाथ में है इसके बारे में बताइए? इसको भी शो पीस ही है ये भी। अच्छा। इसका कलर पेंट नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा, कहीं भी रखो अच्छी लगती है देखने में। और क्या प्राइस है इस डक का? ये 950 की है जी। और ये जो आपके हाथ में है ये बताइए क्या है? ये दीवार पे लगा सकते हैं आप, फ्लावर भी रख सकते हैं, दीवार पे हैंग हो जाते हैं ये, मैंगो वुड में बने होते हैं, ये मजबूत होते हैं, आप हैंग कर दोगे, इस पे फ्लावर रख दो, कोई भी शो पीस रख दो, या इस पे फाउंटेन छोटा रख दो। और ये जो फाउंटेन आपने दिखाया है ये कैसे चलता है? इसके अंदर हम पानी डालेंगे, उसको प्लग में लगाएंगे और ये चलता रहेगा, वही पानी बार बार घूमता है इसमें। शायद कुछ कलरफुल सा वाटर, हाँ, लाइटिंग होती है इसके अंदर, लाइटिंग भी दिखेगी आपको, पानी चलता हुआ दिखेगा, बहुत अच्छा पीस लगता है देखने में जी। और इसको ड्राइंग रूम में हम किसी भी कोने पे, किसी भी कोने में ड्राइंग रूम में रख दो, कहीं भी रूम में भी लोग रख लेते हैं, कोई वो वाली बात नहीं है। इसको भाई जब सफा करना होता तो इसका पानी निकल जाता है, पीछे से इसकी जगह दी गई है, पानी खाली कर दो, दोबारा पानी भरोगे फिर सफा पानी आ जाता है, मगर इसमें पानी जैसे हम डालेंगे तो ये चलने लग जाए। हाँ जी, हाँ जी, मोटर वगैरह लगी होती है इसके अंदर सब कुछ, ये देखिए ये मोटर वगैरह लगी हुई है। और क्या प्राइस है इसका? ये 1000 रुपीज का ओनली। एक बहुत खूबसूरत सा ग्रामोफोन मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है, इसको आप अपने ड्राइंग रूम में रखेंगे तो आपका ड्राइंग रूम बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और ये आपको याद दिलाएगा भाई पुराने हुए गुजरे जमाने की। और ये ठेलर ट्रे है, ये भैया ने मुझे अभी दिखाई थी और मुझे ये देख के बहुत ही खूबसूरत लगी। ये जो ठेलर ट्रे है इसको आप चाय या कॉफी वगैरह सर्व करने के लिए आराम से घर में यूज कर सकते हैं, और बहुत हल्की फुल्की सी है, इसे आप किचन में कहीं भी रख सकते हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये भाई गांधी जी का चरखा भी यहाँ पर मौजूद है, और गांधी जी का ये जो चरखा है इसे आप घर के जिस भी कोने में रखेंगे
वो कोना अपने आप में बिल्कुल ही अलग और बिल्कुल ही डिफरेंट लगने वाला है। भाई सबसे ज्यादा खूबसूरत तो मुझे छोटी सी चारपाई लगी है, मैं तो इसे जरूर खरीदने वाली हूँ और मैं इसको खरीद कर इसके ऊपर ही अपना छोटा सा एक फ्लावर पॉट भी रखने वाली हूँ। मुझे लगता है आपको भी इसको जरूर खरीदना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है आज से पहले आपने इतनी छोटी चारपाई तो भाई कहीं नहीं देखी होगी। और अब मुझे मिला है ये छोटा सा टूथपिक होल्डर, भाई ये तो मुझे देखते ही पसंद आ गया था तो इसे तो मैं जरूर ही खरीदने वाली हूँ। और देखिए छोटा सा एफिल टावर और इसमें एक यहाँ छोटी सी घड़ी भी लगी है। ये एफिल टावर अगर आप अपने घर में रखेंगे तो आपके घर का लुक तो बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है। और अब मैंने ये खरीदा है यूनिक सा ड्राई फ्रूट बॉक्स। जी हाँ, ये यूनिक सा ड्राई फ्रूट बॉक्स मुझे पता है आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। देखिए इसको तो मैं आज लेने ही वाली हूँ। अभी मुझे दिखिए ये खूबसूरत सी बास्केट, आइए जानते हैं इसके बारे में। भैया ये जो बास्केट है इसे कैसे यूज करते हैं? ये फॉलिंग भी कर सकते हैं, हैंगिंग कर सकते हैं इसको, हाँ कहीं भी यूज कर सकते हैं आप जी। मतलब इसको गैलरी वगैरह में इस तरीके से देखिए अब हम इसको लगा सकते हैं। ऐसे लगा लीजिए यूं करके जी, ऐसे करके और यहाँ से हैंगिंग होगा इसे फंस जाएगा जी। हाँ जी। और इसका प्राइस बताइए? ये 550 रुपए की है। अच्छा ठीक है। और भैया ये जो खूबसूरत से ये जो फ्लावर्स हैं जो इसमें लगे हैं इसको हम कैसे इस्तेमाल करें? ये कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, आप बालकोनी में यूज कर लीजिए या और जीना में यूज कर लीजिए, कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको आप। आपको इसको हैंग कर सकते हैं, 10 फीट खुलेगा ये। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए देखने में कितना छोटा सा लग रहा है ये, मगर आप इसे अपनी बालकनी में या अपने रूम में एक नेचुरल लुक देने के लिए कहीं भी इसे लगा सकते हैं। और बहुत ही पोर्टेबल है ये, बहुत ही हल्का फुल्का सा है। भाई आज की मेरी खरीदारी तो हो चुकी है पूरी, अब मैं जाती हूँ घर, वहां जाके पीती हूँ एक गर्म गर्म कॉफी। नाजरीन चलते हैं रूमा के पास और जानते हैं आज वो कहाँ पहुंची। नाजरीन यूँ तो हम ख्वातीन को खाना पीना बहुत पसंद होता है और साथ ही साथ हम फिट भी रहना चाहती हैं, और जब खाने पीने की बात आई है तो मुझे तो भूख लगाई है, तो देर किस बात की। चलते हैं अनीता जी के किचन में और जानते हैं कि वो हमारे लिए क्या बना रही हैं। अनीता जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अनीता जी मैं अभी यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलती चलूँ, तो आज आप क्या ऐसा खास बनाएंगी मेरे लिए? आपको मैं 10 मिनट में बनने वाला रागी शेक बनाऊंगी। 10 मिनट में बनने वाला? आपने मैंगो शेक, मिल्क शेक, चीकू शेक के बारे में तो बहुत सुना है, पर आज आप इसको भी टेस्ट करके देखिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल जल्दी। इसके लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें अराउंड 250 ml मिल्क डालेंगे, उसमें 1.5 टेबलस्पून रागी का आटा लेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें कॉर्न फ्लोर डालेंगे, 1/2 टीस्पून कोको पाउडर लेंगे और 1 टेबलस्पून चीनी लेंगे। दिखने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा है, मतलब अब मुझसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा। बस आपको इंतजार की करना ही नहीं पड़ेगा, 5 मिनट में रेडी हो जाएगा ये। 5 मिनट में बस जल्दी से आप बना दीजिए इसको। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने पहले से ही रखे थे? मतलब ये क्वांटिटी वगैरह आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कितनी डालनी चाहिए? ये हम ट्राई करके देखते हैं 2-3 बार 4 बार फिर क्वांटिटी सेट हो जाती है। अभी तो हमने जैसे लिया कि 250 ml मिल्क लेना है, उसके साथ 1.5 टेबलस्पून रागी, 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून कोको पाउडर और 1 टेबलस्पून शुगर। अब इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे। तो इसको हम कितने मिनट तक कुक करेंगे? अप्रॉक्सीमेट 5-8 मिनट्स। मतलब अभी तक मैंने कोई ऐसा शेक नहीं सुना था जो पहले कुक किया जाता है, और अभी आप बता रहे हैं कि एक रागी का शेक है और फिर कुक किया जाता है। हाँ। तो मुझसे तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा, देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकलता है। रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा निकलेगा, अभी देखते हैं। इसको बस थोड़ा हिलाते रहना है ताकि वो नीचे उसके लंप्स ना बने। अब इसको गर्म होने के बाद इसमें हम ये 1 टेबलस्पून वाइट चॉकलेट डालेंगे। वाइट चॉकलेट, मतलब ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद। बिल्कुल, बच्चे बड़े हर उम्र के लोग इसे बहुत पसंद करेंगे जी।
क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल चीज़ें भी हैं और आज के टाइम के हिसाब से सब टेस्टी चीज़ें भी डली हैं। तो कुक होते टाइम क्या हम इसको ऐसे करके इसको स्टर करना पड़ेगा, नहीं तो चॉकलेट और सब नीचे चिपक जाएगा। इसको स्टर करना जरूरी है 5 to 6 मिनट्स तक। तो अनीता जी, अगर हमें इसे और हेल्दी बनाना हो, जैसा आपने बताया वाइट चॉकलेट और चीनी कुछ लोग नहीं यूज़ करना चाहते, तो हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? चीनी की जगह आप पाम जैगरी या पाम कैंडी मिलती है उसको यूज़ कर सकते हैं, और चॉकलेट की जगह ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू बादाम अखरोट को रात को सोख करके उसका पेस्ट बना के वो मिक्स कर सकते हैं, और कॉर्नफ्लोर की जगह अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं अभी अनीता जी इतना टेस्टी शेक बना रही हैं कि मुझे तो खुशबू से इतनी भूख लग रही है और मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा, और जल्दी शेक रेडी हो चुका है, रेडी भी हो गया। देखा आपने, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये शेक रेडी हो गया और अब हम इसे टेस्ट करने वाले हैं और मैं बिल्कुल वेट नहीं कर पा रही। बिल्कुल अभी मैं आपको सर्व कर दी हूं। अब हमारा शेक रेडी है, हम इसको ग्लास में सर्व करके आपको टेस्ट कराते हैं बिल्कुल जल्दी। इसका कलर भी इतना अच्छा निकल के आया है, मतलब मैं तो बिल्कुल वेट नहीं कर पा रही, मुझे जल्दी ही पीना है, टेस्ट करना है। ये गार्निशिंग को जल्दी है, गार्निशिंग के लिए हमने थोड़े से कटे हुए अखरोट और कटे हुए बादाम ले लिए हैं। लीजिए अभी आप शेक टेस्ट करके बताइए। ये देखने में मुझे इतना टेस्टी और हेल्दी लग रहा है और आई एम श्योर कि फिटनेस फ्रीक लोग और बच्चे सभी को ये बहुत पसंद आने वाला है। तो मैं तो मतलब आई एम डाइंग कि मैं जल्दी से इसे टेस्ट करूं और देखूं। तो ये शेक बहुत ज्यादा टेस्टी है और बिल्कुल परफेक्ट लेवल में, और मुझे लगता है ये हर किसी के लिए फायदेमंद भी है और हर कोई इसको इंजॉय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतना अच्छा टेस्टी शेक बना के पिलाया। मुझे बहुत खुशी हुई आपको पसंद आया है, और मैं वापस भी आती रहूंगी बार बार। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपको नए नए व्यंजन जी बिल्कुल खिलाती रहूंगी। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये शुमारा बेहद पसंद आया होगा। अब हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। लड़को आओ, चलो मश करो।